नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होंगे आप। देखिए, जनरल साइंस की फोर्थ क्लास, 2 सितंबर। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापा जाता है। दूध का घनत्व मापा जाता है तो इसका राइट आंसर है लैक्टोमीटर। जो दूध का घनत्व मापते हैं अपन, वो है लैक्टोमीटर। देखिए दोस्तों, हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि घनत्व को कैसे मापते हैं, ठीक है? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं घनत्व को कैसे मापते हैं। ओके, हम आपसे उम्मीद करेंगे, आप हमें ज़रूर बताएंगे कि घनत्व को कैसे मापा जाता है। सही आंसर लैक्टोमीटर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है जो अपने शरीर में एनर्जी देता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे सरल कौन सा है? उनमें सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। इस क्वेश्चन के साथ भी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ओके दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, कल की वीडियो में हम आपके बताएंगे। ओके, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये तो ग्लूकोज है, लेकिन आपको ग्लूकोज का भी रासायनिक सूत्र पूछ सकते हैं, रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, उसमें उस रासायनिक सूत्र को बताना आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ओके दोस्तों, क्या मटर से? दूसरा ऑप्शन अंडा। दूसरा ऑप्शन आलू, तीसरा ऑप्शन अंडा, फिर नींव। बताओ आप किससे होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे ज़्यादा ऊर्जा भैया इसमें अपन को प्राप्त होती है, वो है आलू। आलू, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है आलू। सुक्रोज का सामान्य नाम है, देखिए सुक्रोज है, वहाँ पर ग्लूकोज है या सुक्रोज आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुक्रोज का सामान्य नाम है, सुक्रोज का सामान्य नाम है, मतलब सुक्रोज का मतलब सुक्रोज का मिठास है, तो इसका सामान्य नाम है साधारण चीनी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए। फिर एक क्वेश्चन है, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र बताइए। आप सुक्रोज का रासायनिक सूत्र कहीं से, बुक से, कहीं से ढूंढ के आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 5, देखिए राइट आंसर बताइए, आप बताइए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, तो आप कार्बोहाइड्रेट का भी रासायनिक सूत्र कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपके एक क्वेश्चन के साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? वो है कार्बोहाइड्रेट। तो आप कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके दोस्तों, इसलिए अपन आगे चलते हैं। यदि कोई मीठा रहित चपाती कुछ देर के लिए चबाएं तो एक विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास होता है, क्योंकि मुँह में कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है, मुँह में प्रोटीन शर्करा में बदल जाता है, मुँह में वसा शर्करा में बदल जाता है, मुँह में विटामिन शर्करा में बदल जाता है। आप राइट आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुँह में, ऑप्शन नंबर 1, मुँह में कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है, मुँह में कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। यदि कोई मीठा रहित चपाती कुछ देर के लिए चबाएं तो एक विशिष्ट स्वाद का एहसास होता है, क्योंकि मुंह में कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है। जैसे अपन जाएगा खाना अंदर, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा, वो किस में बदलता है? शर्करा में। ओके दोस्तों, इसीलिए अपन को पूरी रोटी खाते हैं तो हल्का सा मिठास का अनुभव होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, यकृत का कार्य है, यकृत का कार्य है। ओके, यकृत का क्या कार्य है बताइए? यकृत का क्या कार्य है? ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रहण करना, श्वास को उन्नत करना, पाचन शक्ति मजबूत करना, ये सभी कार्य है तो यकृत में है। इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोजन के
रूप में ग्लूकोज का संग्रहण करना, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रहण करना इसका राइट आंसर होगा। यकृत का कार्य है ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रहण करना। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? देखिए दोस्तों, जब मानव श्वसन क्रिया करता है तो क्या छोड़ता है, क्या छोड़ते बताइएगा। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है, क्वेश्चन नंबर 8 है। मानव श्वसन क्रिया समय, श्वसन क्रिया करते समय क्या छोड़ता है? राइट आंसर होगा CO2। CO2। और आप इसमें बताएंगे कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में क्या छोड़ते हैं, आप सम्मिलित करेंगे इसका आंसर, आप जरूर बताएंगे पेड़ पौधे श्वसन करते समय क्या छोड़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को हलिस्तान कहा जाता है, जो श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आती है उसे क्या कहते हैं? श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आती है उसे क्या कहते हैं? ब्रोकाइटिस, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रोकाइटिस। ब्रोकाइटिस श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोकाइटिस कहा जाता है। ओके दोस्तों, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। जैसे फेफड़ा किससे संबंधित है, होता है हृदय, हृदय से संबंधित है। फेफड़ा किससे संबंधित होगा, तो फेफड़ा अपना किससे संबंधित होगा? फेफड़े क्या काम करते हैं? गैस भरती है उनमें, भरती है। तो कौन सी गैस भरती है? अंदर लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं तब तो ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है, जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है वैसे ही हृदय रुधिर से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RRB NTPC में पूछा गया, मैक्सिमम क्वेश्चन वही है जो पूछे गए हैं। ओके, फेफड़ा श्वसन, फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है, श्वसन क्रिया करते हैं। ओके, निम्न में से किसे सामान्यतः स्वर यंत्र कहा जाता है, जिससे स्वर निकलता है? बताइए, श्वास नली से तो अपन श्वास लेते हैं, ग्रसनी से अपन खाना खाते हैं, तंत्रिका तंत्र अपना रहता है, वाक्यंत्र, वाक्यंत्र बोलने वाला यंत्र, तो इससे स्वर निकलता है, स्वर का मतलब बोलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक यंत्र। ओके, क्या हो जाएगा राइट आंसर? वाक यंत्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता हुआ। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, जब अपने निमोनिया होता है तो बताइए कौन सा अंग प्रभावित होता है निमोनिया में? निमोनिया हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर होगा भैया फेफड़ा। फेफड़ा से निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। ओके, रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया? रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, इसका आंसर नहीं देंगे, इसका आंसर आप सम देंगे। रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर है, चलो हम दे ही देते हैं यार, कार्ल लैंड स्टीमर। कार्ल लैंड स्टीमर, कार्ल लैंड स्टीमर। रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया? कार्ल लैंड स्टीमर ने, कार्ल लैंड स्टीमर ने। एक वयस्क मानव के शरीर में कितना लीटर रुधिर रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितना लीटर रुधिर रहता है? तो राइट आंसर होगा 5 लीटर। 5 लीटर रुधिर अपने शरीर के अंदर रहता है। एक क्वेश्चन हम आपसे करते हैं कि मानव शरीर में कितना परसेंट पानी रहता है? ओके, पानी कितना रहता है? वाटर, वाटर कितना रहता है मानव शरीर में? ओके, यहाँ बताएंगे हम, आप सबमिट करेंगे कमेंट बॉक्स में, आप हमें ज़रूर बताएं वाटर कितना रहता है। ओके, मानव शरीर में वाटर कितना रहता है? मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु होती है, तो मानव शरीर में लाल रुधिर कोशिका होते हैं, लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? 120 दिन। कितनी होती है? 120 दिन बाद ये वापस ख़त्म हो जाती हैं, फिर नई रुधिर कोशिकाएं बनती हैं। ओके दोस्तों, देखिए आज की क्लास इतनी है आपके लिए। आई क्यू स्टडी अकेडमी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।